हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेस के 13 प्रिंसिपल्स की थिंक एंड ग्रो रिच बुक से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है मनी कॉन्शियसनेस की फील्ड में, या फिर अगर आप कोई भी दूसरा गोल अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक कैसे लिखी गई है, ये 25 ईयर्स में ऑथर ने लिखी है और ये 500 मोर सक्सेसफुल पीपल के एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके 13 प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं अपने सक्सेस के लिए, तो ये एक तरीके से यूज़ करना होगा सक्सेसफुल पीपल के लोगों के एक्सपीरियंस को यूज़ करना। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना ऑलवेज़ बेटर होता है अपनी खुद की गलतियों से सीखने से, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस मिलता है जिससे कि आप जल्दी से एक सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो ये 13 प्रिंसिपल्स ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे की ज़रूरत हो, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स की हो सकता है आप में लैकिंग हो और उसी की ज़रूरत हो आपको हो, और वो ही आपके और आपके सक्सेस के बीच में आ रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि ये 13 प्रिंसिपल्स है क्या। पहला तो इसमें प्रिंसिपल है डिज़ायर का, कि आपको कोई भी गोल को अचीव करने के लिए डिज़ायर होना चाहिए कि वो गोल आपको अचीव करना है। विश एक अलग चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ को देखकर विश करते हैं या किसी की सक्सेस को देखकर, उस समय पे हमारे अंदर वो डिज़ायर उठ जाता है, वो इच्छा हमें हो जाती है कि हमें भी ऐसा ही करना है। लेकिन कुछ दिनों बाद हम वापस से अपनी रूटीन लाइफ पे आ जाते हैं। लेकिन डिज़ायर कुछ ऐसा होता है कि जब आपके अंदर वो विश होती है, एक हफ्ते बाद वो या दो हफ्तों बाद वो डिज़ायर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है आपके माइंड में, और उसके लिए आप एक्शंस लेना स्टार्ट करते हो। तो ये डिफरेंस होता है डिज़ायर और विश में। तो आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, ना कि एक विश अपने गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो है फेथ का, कि आपके अंदर डिज़ायर तो है किसी चीज़ को करने का, लेकिन आपके अंदर फेथ भी होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, तभी आप उसके लिए कंटिन्यूसली एक्शन ले सकते हो, वरना आप एक्शन लेना स्टार्ट ही नहीं करोगे अगर आपको ये बिलीव नहीं होगा कि आप वो कर सकते हो। अब इसका तीसरा प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन यानी कि हम अपने माइंड में जो अपने आप को बार बार बोलते रहते हैं, तो अपने माइंड में जो हम बोलते रहते हैं उसकी वजह से हमारे डोमिनेटिंग थॉट्स बनते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन हम बाहर से रिसीव करते रहते हैं 24 आवर्स में, उसकी वजह से हमारे डोमिनेटिंग थॉट्स बनते हैं। और जो डोमिनेटिंग थॉट्स हमारे कॉन्शियस माइंड में रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली जो हमारे एक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे एक्शंस जिस तरह के होने चाहिए उस तरीके के ऑटो सजेशन हमको देना होगा अपने माइंड में, और उस तरीके के डोमिनेटिंग थॉट्स हमें अपने माइंड में बनाने होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सक्सेस का स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि हमें जिस भी फील्ड में सक्सेस को अचीव करना है उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी हम अपने प्लान्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस को ले सकते हैं, और तभी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। यानी प्लान्स को इम्प्रूव करते रहने के लिए हमें कंटिन्यूसली नॉलेज भी लेते रहना होगा, हमें अपडेट रहना होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड बहुत तेज़ी से अभी चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अपडेट करते रहना होगा कि कस्टमर्स की डिमांड कैसे चेंज हो रही है, या फिर हमें अपनी सर्विस में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या जो भी इम्प्रूवमेंट हमें नीडेड है तो उसके लिए हमें अपडेट रहना होगा। नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है वो है इमेजिनेशन, कि हमें अपने माइंड में इमेजिन करना होगा जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक क्लियरली एक प्लान क्रिएट करना होगा। जब हम किसी चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं तो फिर हमारा माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। जैसा कि आइंस्टाइन का एक कोट भी है कि इमेजिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नॉलेज से, क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं तभी हम उस तरीके के एक्शंस ले पाएंगे, नहीं तो हमारे माइंड में वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा और हम एक्शंस को ढंग से नहीं ले पाएंगे, तो हमारा गोल कभी अचीव हो ही नहीं सकता ऐसे। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, कि हमने कोई प्लान को किया अपने माइंड में, लेकिन हम उसे कहीं पर लिखें तो ही वो प्लान हमारे माइंड में एग्जैक्टली क्लियर होगा। यानी कि वो क्लियर प्लान हमारे माइंड में तभी हो सकता है जब हम उसे एकदम क्लियरली किसी पेपर में या फिर कहीं पर भी लिखें, बिना उसके एक वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है और हमारा माइंड उसे बाद में भूल जाता है। और ये ज़रूरी होता है हमारे माइंड में रिपीटिशन के लिए भी, कि हम अपने प्लान को बाद में रिपीट कर सके और अपने आप को उस प्लान की याद दिलाते रहे, जिसकी वजह से हमारे एक्शंस भी कंटिन्यूसली अपने प्लान के अकॉर्डिंग होते रहे, और अपने प्लान में इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसीजन का। डिसीजन ज़रूरी है प्रोक्रेस्टिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि टालने के हैबिट को प्रिवेंट करने के लिए।
जब हम डिसीजन लेंगे किसी चीज़ को करने का किसी एग्जैक्ट डेट पे या किसी डेडलाइन को देख के, तभी हम एक्चुअल में उस चीज़ उस टाइम पे कर पाएंगे। वरना जब तक कि डिसीजन हम नहीं लेते तब तक प्रोक्रेस्टिनेशन चलता ही रहता है और वो इनफाइनाइट है, कभी ना एंड होने वाली हैबिट होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हम डिसीजन ले लें। अब इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है परसिस्टेंस, कि हमने एक्शन लेना स्टार्ट तो कर दिया, फिर उस एक्शन को कंटिन्यू भी करते रहना है और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट भी करते रहना है। तो इस चीज़ के लिए परसिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उस पाथ पे लगातार चलते रहना, ना कि उस पाथ को बीच में छोड़ के अपना कोई दूसरा पाथ अपना लेना। वैसे उस प्लान को क्विट करना भी सही है अगर आपको बाद में स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे, बट ये सही नहीं है कि आप हर काम को अधूरा छोड़ दो। अब इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड मींस आपके ही जैसे लोग जो आपके ही तरह के गोल्स पे काम कर रहे हैं और आपके ही तरीके की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपके गोल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके के लोगों के बीच में रहते हैं तो आपके गोल्स से रिलेटेड आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहते हैं और उस तरीके के थॉट्स आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ईजी होता जाता है और आपके प्लान्स इम्प्रूव्ड होते जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिटेशन। तो सेक्स की जो डिज़ायर होती है वो हमारे माइंड में सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, और इसका अगर हम सही यूज़ करते हैं तो ये हमारे हाइट्स ऑफ सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ इमोशंस, एंड इवन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। अगर आप डेफिनेटली यूज़ करना चाहते हैं अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को एज अ कंस्ट्रक्टिव पावर, तो अपने कंस्ट्रक्टिव पावर को इंक्रीज करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ये बुक में मुझे सबसे अच्छा चैप्टर यही लगा। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस चैप्टर टू रीड। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वह है द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो कि मेन फील्ड होता है हमारे माइंड के लिए, हमारे एक्शंस लेने के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो भी माइंड के हमारे डोमिनेटिंग थॉट्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे कॉन्शियस माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं इसके लिए हमें अवेयर रहना इंपॉर्टेंट है, और अपने डोमिनेटिंग थॉट्स को भी बनाना इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ का हम बार बार ऑटो सजेशन दे रहे हैं या किन थॉट्स को अपने माइंड में बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कॉन्शियस होना होगा और उन थॉट्स को पॉजिटिव रखना होगा, जिसकी वजह से हमारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाए, पॉजिटिव रहें और अपने गोल्स के डायरेक्शन में रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है द ब्रेन। ब्रेन मीन्स ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है ये, और रिसीविंग स्टेशन होता है, जस्ट एज अ रेडियो। जो भी थॉट्स स्पेस में होते हैं, अब स्पेस फिल्ड अप होता है एक पॉजिटिव थॉट से भी और नेगेटिव थॉट से भी जो लोगों के माइंड में आते हैं, तो इस तरीके की रेज हमेशा स्पेस में अवेलेबल होती है। लेकिन हमारे माइंड में जो थॉट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं, तो वो कैसे आते हैं? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से। जो हमारे डोमिनेटिंग थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे अंदर थॉट्स आते रहते हैं। तो इसके लिए भी हमें अवेयर होना होगा, अगेन अपने कॉन्शियस माइंड को फिलअप करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स से। अब इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस। टेलीपैथी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है द सिक्स्थ सेंस का। और द सिक्स्थ सेंस इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं और अपना यूज़ कर सकते हैं अपने प्लान्स को बेटर बनाने के लिए। जब हम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, तो वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक इन्वेंशन करा देती है। जैसे कि थॉमस एडिसन का हमने एग्जांपल लिया था कि उन्होंने बल्ब की जब डिस्कवरी की थी, एक्चुअली इन्वेंशन किया था, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। ये सारे प्रिंसिपल्स थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक से। होप ये आपको